तो ऑटोमेटा थ्योरी में सबसे पहले हमने चोम की देखी चोमी में हमने फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस देखी कि कितनी तरह की लैंग्वेजेस हैं उनको जनरेट कौन करता है और उनको एक्सेप्ट कौन करता है सबसे पहले हमने रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक्सेप्टर देखा जिसका नाम था फाइनाइट ऑटोमेटा और फाइनाइट ऑटोमेटा दो तरह के थे एक था विद आउटपुट एक था विदाउट आउटपुट हमने सबसे पहले विदाउट आउटपुट किया

और लाजमी होगी इसके हमने काफी सारे क्वेश्चन किए फिर हम आए नॉन फाइनाइट ऑटोमेटा पे और नॉन फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई कि हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की एक से ज्यादा ट्रांजिशन भी हो सकती हैं और आप ट्रांजिशन को इग्नोर भी कर सकते हैं इसके भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए फिर हमने एपसाइलोन एन एफ एपसाइल एन एफ एन एफ ए होता है कि जिसमें हमारे पास एप्साइलोन ट्रांजिशन अलाउ होती हैं

हमने रेगुलर स्पेशन के जरिए देखा कि उसमें कितनी तरह के बेसिक रूल्स हैं तो कॉन्कोटेनेशन है यूनियन है क्लोजर है ठीक है प्लस है सही है तो हमने ये तमाम देखने के बाद डिफरेंट लैंग्वेज की डिफरेंट रेगुलर लैंग्वेजेस की रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश की फिर हमने जब रेगुलर स्पेशन समझ ली तो हमने ये देखा कि अगर रेगुलर स्पेशन हमें गिवन हो तो हम उसको किस तरीके से अपने ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं तो टारगेट हमारा डी एफ है लेकिन हम रेगुलर रेगुलरपेशन बनाते हैं उसको एन में कन्वर्ट करते हैं फिर उसको डी में कन्वर्ट कर देते हैं ये हमारा वो पार्ट हो गया जो रेगुलर स्पेशन का था फिर हम आए हमने पढ़ा फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट विद आउटपुट के अंदर हमारे पास दो तरह के ऑटोमेटा थे जो कि एक था मूरे मशीन और एक था मीले मशीन इफ यू रिमेंबर मूरे मशीन में स्टेट के अंदर आउटपुट लिखा हुआ होता है मीले मशीन में स्टेट ट्रांजिशन पे आउटपुट लिखा हुआ होता है दोनों की पावर सेम है पावर सेम का मतलब यह होता है कि काम करने की ताकत दोनों की काम करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी uh, है जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है सेम है तो अगर एक मूरे मशीन जो काम कर सकती है वही मीले मशीन भी कर सकती है तो इसका मतलब यह है कि हम एक को दूसरे में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं हमने कन्वर्जन भी की हमने मूरे मशीन को मीले में कन्वर्ट किया और मीले मशीन को मूरे में कन्वर्ट किया मुरे मशीन को मीले में कन्वर्ट करना एज कम्पेयर टू मीले टू मुरे ज़्यादा आसान था क्योंकि मूरे टू मीले में स्टेट्स सेम रहती हैं लेकिन मीले टू मूरे में स्टेट्स बढ़ सकती हैं तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इसको देख लीजिएगा फिर हमने इंट्रोडक्शन टू नॉन रेगुलर लैंग्वेज लिया हमने देखा कि रेगुलर लैंग्वेज और नॉन रेगुलर लैंग्वेज के अंदर फ़र्क क्या है हमने कुछ पॉइंट्स पिक किए जिनके ब्याह पे हमने डिसाइड किया कि गिवन लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है सबसे आसान डेफिनेशन ये है कि अगर किसी लैंग्वेज का आप फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं तो वो लैंग्वेज रेगुलर है अदरवाइज वो नॉन रेगुलर है और भी काफ़ी चीज़ें हैं इनफाइनाइट कंपेरिजन अगर हो रहा हो तो लैंग्वेज नॉन रेगुलर है फाइनाइट कंपेरिजन अगर हो रहा हो तो लैंग्वेज क्या है रेगुलर है ठीक है ये तमाम चीज़ें हमने देखी उसके बाद हमने अलगौरतम देखा पम्पिंग लैमा पम्पिंग लेमा वो अलगौरतम है जो कि ये बात ये प्रूव करने के लिए यूज होता है कि गिवन लैंग्वेज नॉन रेगुलर है नेगेटिविटी टेस्ट है अगर टेस्ट फेल हो जाए तो गिवन लैंग्वेज नॉन रेगुलर है अगर टेस्ट पास हो जाए तो जब श्योरिटी नहीं है कि रेगुलर है या नॉन रेगुलर है इसका मतलब है नेगेटिव पेट्रो है अगर नेगेटिव आता है टेस्ट फेल हो जाता है तो आप आसानी से कह सकते हैं लैंग्वेज क्या है नॉन रेगुलर फिर इसके बाद हमने देखा क्लीन स्थियम क्लीन स्ट्यूरम में हमने पांच थ्यूरम थे जिसमें कॉन्कटेनेशन का था कि दो लैंग्वेज का कॉन्टेंटेशन जो होता है वो भी रेगुलर लैंग्वेज होती, होती है दो यूनियन दो रेगुलर लैंग्वेज का यूनियन भी रेगुलर लैंग्वेज होती है दो रेगुलर लैंग्वेज का क्लोजर भी रेगुलर लैंग्वेज होती है दो एक रेगुलर लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर लैंग्वेज होती है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी भी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो फाइनल स्टेट्स होती हैं उनको नॉन फाइनल बना देते हैं और जो नॉन फाइनल होती हैं उनको आप क्या बना देते हैं फाइनल बना देते हैं फिर हमने बात की के आखिरी वाला था इंटरसेक्शन तो ये पांचों थ्योरम थे आपने इसका असाइनमेंट किया सबमिट किया ठीक है उसके बाद हम आए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस पे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में हमने पहले उसका एक्सेप्टर पढ़ा और उसका जो एक्सेप्टर था वो था पुश डाउन ऑटोमेटा पुश डाउन ऑटोमेटा में हमने देखा कि एक स्टैक यूज होता है ऑटोमेटा के साथ जब भी कोई कंपैरिजन करना होता है तो हम स्टैक के अंदर उस चीज को स्टोर कर देते हैं और उसके कोरोस्पॉ जब भी कोई चीज कंपेयर हो रही होती है तो, तो उसको पॉप करवा देते हैं स्टैक के बॉटम को हमने समझा था और इस तरीके से हमने इसके काफी सारे क्वेश्चन किए कभी हमने देखा कि कभी हम इग्नोर भी कर सकते हैं कभी हमने देखा कि हम डबल पुश भी करवा सकते हैं कभी हमने देखा कि किसी पे पॉप नहीं करवा रहे किसी पे पॉप करवा रहे हैं इस तरीके से मिक्स किए सारे क्वेश्चन फिर पूछ ऑटोमेटा खत्म होने के बाद हम लोग आए कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर पे और कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर में चार चीज़ें होती हैं वेरिएबल टर्मिनल प्रोडक्शन रूल्स एंड स्टार्टिंग सिंबल स्टार्टिंग सिंबल वो होता है कि जहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हो रही होती है किसी भी लैंग्वेज की आप कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर अगर लिखते हैं तो उस लैंग्वेज के गिवन स्ट्रिंग को उस कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर पर प्रूव करने के लिए दो तरीके होते हैं एक कहलाती है पास्टी और एक कहलाती है डेरिवेशन आप दोनों तरीकों से प्रूफ कर सकते हैं आइदर बी डेरिवेशन और पास्टली लेकिन हमने मेनली फोकस किस पे किया कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाने के लिए तो अगर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बन सकती है अगर लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है तब भी उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बन सकती है लेकिन अगर लैंग्वेज कॉन्टेक्ट सेंसिटिव है तो उसकी कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर नहीं बन सकती फिर कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर पढ़ने के बाद हमने हमने पढ़ा चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म वट इज चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसके जरिए पार्सिंग करना डेरीवेशन करना क्या हो जाता है आसान हो जाता है सबसे पहले हमने ये देखा कि उसके कुछ स्टेप्स हैं अगर हम चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो राइट right साइड पे एग्जैक्टली टू वेरिएबल्स लाओ हैं या सिंगल टर्मिनल लाओ है ये कहलाती है चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म इसको कन्वर्ट करने के लिए किसी भी कॉन्टेक्ट फिर ग्रामर को चॉम्प्स की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप स्टेप फॉलो करते हैं सबसे पहले आप क्या करते हैं सबसे पहले आप अपनी ग्रामर में से एप्सालन प्रोडक्शन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं फिर आप एप्सालन प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी एप्सालन ट्रांजिशन प्रोडक्शन आपकी ग्रामर में मौजूद ना हो फिर आप क्या करते हैं एप्साल प्रोडक्शन के बाद आप ये करते हैं कि आप बिन बनाते हैं मतलब ग्रुप बनाते हैं दो दो का और तमाम टर्म वेरिएबल्स को अलग कर करके लिख देते हैं फिर तो उसके बाद आप क्या करते हैं यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है वो तमाम प्रोडक्शन जिसमें राइट साइड पे सिंगल वेरिएबल हो ऐसी प्रोडक्शन यूजलेस होती हैं मतलब उनको उससे स्टैप्स जुड़ जाते हैं फिर हम आखिर में यूजलेस प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं यूजलेस प्रोडक्शन क्या होती हैं जो रिपीट हो रही हो या कोई वेरिएबल अपने आप को ही ड्राइव कर रहा हो उसके बाद हम क्या करते हैं चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया फिर लास्ट टॉपिक हमारा था ट्यूरिंग मशीन और ट्यूरिंग मशीन में हमने ये देखा कि हम एक ज़्यादा फ्लेक्सिबल चीज़ यूज करते हैं जिसे हम टैप कहते हैं एरे टेप जो होती है वो एरे होती है और जिसमें हम राइट और लेफ्ट साइड पे मूव कर सकते हैं हमारा स्ट्रिंग उस टेप के अंदर रखा हुआ होता है और उसके अंदर मूव करते रहते हैं राइट और लेफ्ट की कमांड यूज़ करते हुए डॉलर जो होता है दोनों तरफ ये बता रहा होता है कि यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है और इसके भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए तो ये आपका पूरा ऑटोमेटा का जिसे आप कहते हैं कोर्स आउटलाइन कह लें या जो भी हमने टॉपिक कवर किए हैं वो हैं तो इसी में से आपका पेपर इंक्लूड है